एसयूवी से एक व्यक्ति जब रोका गया तो वो रुका नहीं और उसने थोड़ा सा भागने का प्रयास किया। संदिग्ध अवस्था में जब उसकी चेकिंग की गई तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे ऐसा शक हुआ कि ये व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे कल से रात की बात है फिर पूछताछ की गई और इस हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उस पता किया गया, नाम पते लिए गए, तो ये श्याम बोरा नाम का व्यक्ति है जो सट्टे का एक बहुत बड़ा रैकेट वर्तमान में चला रहा है। ये व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 माह पहले, नोएडा में कासना थाने में एसटीएफ और लोकल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सट्टा का कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ये जमानत पर बाहर आया। तब ये आगरा के बाहर था, वो आईपीएल का सीज़न चल रहा था। इधर वर्ल्ड कप के दौरान भी हमको लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए हमने जब पूरी जानकारी करी तो इसके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन, 1 लाख से ऊपर कैश और उस मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे व्यक्तियों की जो सट्टा खिलवा रहे हैं, खुद खेल रहे हैं, उनके नाम, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ इनका उनसे क्या लेन देन है, कितने की किसके साथ रकम की इनको लेनी है, किसको कितनी लाख रुपए देने हैं, वो उसका एक अकाउंट हमको मिला है। बहुत सारी डिटेल्स मिली हैं जिसको प्रोसेस करने में हमको समय लगेगा। इनके साथियों के नाम, इनके शरणदाताओं के नाम, परिवार में कौन कौन लोग इसमें इनका सहयोग कर रहे हैं, ये सब जानकारी की जा रही है। अभी प्राथमिक स्तर पर ये जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि श्याम बोरा पिछले कुछ दिनों से जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहे हैं उनमें और जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है उससे जुड़े मैचों में सट्टा खिला रहे थे। अभी जब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम सट्टे का ही काम कर रहे थे और अभी भी इनके फ़ोन पर लगातार जो लोग बोली लगा रहे हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं। हमने 1-2 कॉल सुनी भी तो उसमें वो लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनके मैसेजेस में इनबॉक्स में भरा पड़ा है इसी तरीके की ट्रांजैक्शंस के बारे में डिटेल्स। अभी हम और जानकारी कर रहे हैं, इनके जो संभावित और लोग ठिकाने हैं उनके लिए भी हमने टीमें रवाना कर दी हैं कि क्या वहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स या इलीगली ऑक्यूपाइड कैश ये सब है, तो वहाँ पर अगर कुछ मिलेगा तो उसकी जानकारी मैं आपको बाद में देंगे। एक प्राथमिक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। सर, नोएडा में जहाँ से गिरफ्तार किया गया था वो फ्लैट आगरा के ही बुकी का है, तो उस बुकी के लिए कार्रवाई होगी कभी आगरा? इस बार हम जो भी इनका पूरा नेटवर्क है उसको बहुत डिटेल में बना रहे हैं और इस बार हमको पहले से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली है। इनके साथ साथ अन्य जो गैंग आगरा में संचालित हुए हैं पूर्व में, उनके बारे में भी हम ये जानकारी करेंगे, क्या वो वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट इनके पास से मिले हैं जिसका एक एक का वेरिफिकेशन करने में 2-3 दिन का समय लग सकता है। लेकिन ये कार्रवाई हम इस बार करेंगे और ये पूरे गैंग को पूरी तरीके से हम बेनकाब करेंगे। श्याम बोरा पहले भी 2 बार पकड़ा जा चुका, तो आगरा का कनेक्शन काफ़ी मजबूत माना जाता है, किस तरह से पुलिस इसको देख रही है? मैंने जब बात करी तो इनका कहना है कि ये 15 में एक बार ताजगंज से गिरफ्तार हो चुके हैं, वर्तमान में भी एक कासना की एपिसोड आया और इन्होंने अभी नहीं बताया, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इधर बीच ये भी इन्होंने बताया कि कुछ दबाव आगरा में बढ़ने के कारण ये नोएडा शिफ्ट हुए थे। इधर भी इनको लगा जब एक बार अरेस्ट हो गए, जमानत हो गई, तो अब जो है इनको ट्रैकिंग बंद कर दी होगी पुलिस ने। तो अभी इनका तो ये कहना है कि ये 2 हफ्ते से ही कर रहे हैं, उसके बीच से पिछले 2 महीने में 1.5 महीने ये शांत रहे, कुछ नहीं किया। अब हम ये जो कह रहे हैं इसकी सत्यता की जाँच वेरिफिकेशन के उपरांत ही हो पाएगी, जिसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कम से कम 50 नाम ये मुझे बता चुके हैं जिससे इनका 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, किसी किसी में 50 लाख, 1 करोड़ तक का लेन देन देना या लेना इन बता रहे हैं। और ये काम अधिकांश मोबाइल फ़ोन पर ही होता था, लोगों के फ़ोन आते हैं या व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए रेट्स पता करते हैं और रेट के हिसाब से अपनी अपनी बिडिंग कर रहे हैं। ये अभी हमको पता चला, अभी काफ़ी काम इसमें शेष है, जैसे जैसे आएगी बात आपको बताया जाए। व्हाट्सएप कॉलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है? नहीं, अभी तो रेगुलर कॉल में भी है। इनके में जो कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसके जरिए वो कॉल प्रिजर्व की जाती है ताकि अगर कोई आदमी अपनी उससे मुकर जाए, बात से मुकर जाए, तो फिर लेन देन में उसको बात सुनाई जा सके। इसलिए इनके फ़ोन में सैकड़ों सैकड़ों कॉल सट्टे से जुड़ी पड़ी हुई हैं जिनको हम
नियमानुसार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इस केस डायरी में लगाएंगे, केस का पार्ट बनाएंगे, जिससे ये एस्टैब्लिश हो सके कि किस प्रकार का काम किया जो लोग जो 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 जिन व्यापारी क्या है? ये चूंकि नाम और मोबाइल नंबर बता रहे हैं, अभी प्राथमिक लेवल पर ही इन्होंने अभी कबूल किया है कि हाँ, हम धीरे धीरे हमने जानकारी जुटा ली तब जाके इन्होंने कबूल किया कि हम सट्टे का काम करते हैं। तो वो लोग कौन है, उनका नाम जो इनके में फीड है वो सही फीड है ये वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा। उनका एड्रेस भी ये ठीक से नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं हम तो फ़ोन के जरिए जानते थे और कभी कभी पैसा लेना देना होता तो हम कैश कहीं पर मिल करके कैश का आदान प्रदान कर लेते थे। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी चिन्हित कर रहे हैं, जो इन्होंने स्वीकार किया है कि इनका जो फ्लैट है बताया है ताजगंज क्षेत्र में फतेहाबाद रोड पर, एक प्लॉट बताया है, एक इनका पंचवटी में मकान बताया, ये इन्होंने कहा है, एक गाड़ी जिसमें वर्तमान में एक SUV में चल रहे हैं, ये सब इन्होंने कहा है कि हमने सट्टे के ढंग से ही इसको अर्जित किया है। तो उस संबंध में भी निमासा कार्रवाई की जाएगी। दूसरे देशों में भी ताज लोग नहीं, अभी इस प्रकार की बात नहीं है।